महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर 4x4 SUV थार के प्राइसेस को फिर से बढ़ा दिया है। इस गाड़ी का सेकेंड जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था 2020 में, जो कि लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, और उसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अभी कुछ महीने पहले ही महिंद्रा ने इस गाड़ी का रियर व्हील ड्राइव मॉडल लॉन्च कर दिया, और इसी बढ़ते डिमांड को देखते हुए महिंद्रा भी थार के प्राइस कंसिस्टेंटली बढ़ाती गई। रिसेंटली इस गाड़ी में प्राइस हाइक जो हुआ है वो हुआ है BS6 स्टेज 2 अपग्रेड्स की वजह से। इस गाड़ी का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर LX डीजल मैनुअल हार्ड टॉप रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है, उसने देखा है सबसे बिगेस्ट हाइक ऑफ ₹1.05 लाख। ऑन दी अदर हैंड इसका जो AX ऑप्शनल डीजल मैनुअल हार्ड टॉप वेरिएंट आता है उसका प्राइस ₹55,000 से बढ़ गया है। बाकी का जो इसका लाइनअप है, विच इंक्लूड्स फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट्स एंड द पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ हार्ड टॉप रियर व्हील ड्राइव, हैज सीन अ प्राइस हाइक ऑफ ₹28,200। इसका जो फोर व्हील ड्राइव वेरिएंट है अब उसका प्राइस शुरू होता है 13.49 लाख से, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 16.77 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो एंट्री लेवल वेरिएंट है वो ₹55,000 ज्यादा महंगा हो गया है। इसके इस प्राइस हाइक के पीछे एक रीजन और हो सकता है, वो ये है कि महिंद्रा थार का अब एक नया बेस मॉडल भी लॉन्च करने का प्लान कर रहा है इनके 4x4 लाइनअप में, जो कि पोजीशन करेगा AX ऑप्शनल वेरिएंट के नीचे। अदर देन दैट, मैकेनिकली फीचर वाइज ये गाड़ी बिल्कुल सेम है। इसके अंदर आपको पेट्रोल और डीजल इंजन के ऑप्शंस मिलते हैं। ट्रांसमिशन ऑप्शंस की बात करूं तो आपको यहां पे ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आपके क्या विचार हैं इस प्राइस हाइक के बारे में, वो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स।